यूएसडी काउंसिल की 44वीं मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें सबसे अहम फैसला यह हुआ कि कोरोना महामारी से युद्ध में इस्तेमाल होने वाली कई जीवन रक्षक दवाओं और उपकरणों पर जीएसटी घटा दी गई। देश में कोरोना की पहली लहर के बाद दूसरी लहर भी आकर जाने वाली है और अब सरकार को कोरोना से बचाने वाले और इलाज में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों और दवाइयों पर जीएसटी घटाने का वक्त मिल गया है। There are four categories: medicines, oxygen generation equipments, testing kits and other machines. Fourth, other COVID-related relief material. So the taxes on these were considered and GUM suggested altering the rates. In none of them has the GUM recommended for an increase in the rates. Existing rates or further bring them down. कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीमीटर कई गुना ज्यादा दामों पर खुलेआम बिकता रहा। सबने देखा, रेमडेसिविर दवा के सौदागर मोटा मुनाफा कमाते रहे, सबको पता है। लेकिन अब जब कोरोना काबू में है तो सरकार ने इसके इलाज से जुड़ी चीजों पर जीएसटी घटाया है। ऑक्सीमीटर पर 12% से घटकर 5%, हैंड सैनिटाइजर पर 18% से घटकर 5%, वेंटिलेटर पर 12% से घटकर 5%, रेमडेसिविर पर 12% से घटकर 5%, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर 12% से घटकर 5%, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 12% से घटकर 5%, थर्मामीटर पर 12% से घटकर 5%, हाई फ्लो नेजल कैनुला डिवाइस पर 12% से घटकर 5% और कोविड की रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट पर 12% के बजाय 5% जीएसटी लगेगी। साथ ही ब्लैक फंगस की दवा टोसिलोजुमैब और इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी पर जीएसटी 5% से घटाकर 0% कर दी गई है। ये वो सारी चीजें हैं जिसकी कोरोना काल में डिमांड इतनी ज्यादा थी कि सप्लाई कम पड़ गई थी। अब उम्मीद है कि लोगों को ऊंची कीमतों से थोड़ी राहत मिलेगी। एक बहुत ही क्लियर प्रोविजन है जीएसटी लॉ के अंदर जो ये कहता है कि अगर कोई रेट कट होता है या अगर कोई क्रेडिट इंक्रीज होता है तो जो भी कंपनीज वगैरह इसको मैन्युफैक्चर करती हैं, दे आर बाउंड टू पास ऑन द रेट कट टू द कॉमन पब्लिक। ये एक प्रोविजन है जीएसटी के अंदर सेक्शन 171, जिसे एंटी प्रॉफिटियरिंग के नाम से जाना जाता है। तो उस प्रोविजन के अंडर सारी कंपनीज जो इसके इस रेट कट की वजह से उनके दाम कम होने चाहिए, वो उनको पास ऑन करना पड़ेगा। आपको जानकर हैरानी हो सकती है, हमारे देश में अब तक एम्बुलेंस पर 38% जीएसटी लगती थी, यानी अब तक सरकार की नजर में एम्बुलेंस और लग्जरी कार में कोई अंतर नहीं था। लेकिन अब जीएसटी काउंसिल की बैठक में इसको लेकर भी भूल सुधार किया गया है और एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर 12% हो गई। The electric furnaces which are used in the crematoriums, the GOM had recommended 12%. We, after the discussion in the council, have brought it down further to 5%. Then temperature checking equipments, the GOM recommended 18%. After discussion in the council today, we are bringing it down to 5%. And the third item, which is the ambulances, we thought even ambulances should be brought down. So the GOM's recommendation of 28% for the ambulance has been brought down to 12%. जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोविड से जुड़ी कई चीजों पर टैक्स में कोई कटौती नहीं की गई है। आरटीपीसीआर मशीन पर 18% की दर से जीएसटी लगती रहेगी, साथ ही कोरोना वैक्सीन पर लगने वाली 5% जीएसटी भी बरकरार रहेगी। कई राज्य सरकारें वैक्सीन को जीएसटी फ्री करने की मांग कर रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐसा न करने की वजह बताई है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट खरीद रही है 75% और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें जीएसटी भी पे कर रही है, मगर जब लोग गवर्नमेंट की हॉस्पिटल के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के सप्लाई जो हो रही है 75% का मुफ्त में दिलाया जा रहा है, जनता के ऊपर उसके असर कुछ भी नहीं होगा। कोरोना से लड़ाई में हथियार बनने वाली चीजों पर जीएसटी घटाने के फैसले को सरकार तीसरी लहर से पहले राहत भरी तैयारियों से जोड़कर पेश कर रही है। लेकिन क्या ये कहना सही नहीं होगा कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते।
कि ये फैसला पहले लिया गया होता तो शायद कोरोना से लड़ाई में आम जनता की मुश्किलें थोड़ी कम हो सकती थी। आज तक ब्यूरो। मुंबई में लगातार हो रही बारिश की वजह से खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पवई लेक ओवरफ्लो हो चुकी है और लेक का पानी धीरे धीरे रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में पानी भरने का खतरा है। ये मुंबई पर मंडरा रहे मानसूनी खतरे की तस्वीर है। ये मुंबई की ओर बढ़ते सैलाब का शोर है। ये मुंबई पर उस आफत की आहट है जिसकी झलक महानगर के कई इलाकों में दिखनी शुरू हो गई है। तेज बारिश के चलते मुंबई की पवई लेक पूरी तरह से लबालब हो चुकी है और अब इस लेक का पानी अपनी सरहदों को पार कर शहर की ओर बढ़ने लगा है। पानी के बहाव को देखकर ही इस बात का अंदाजा लग रहा है कि कैसे बारिश के चलते बड़ा खतरा मुंबई की ओर तेज रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। मुंबई में मौसम विभाग ने रविवार और सोमवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और इस अलर्ट के बीच ही मुंबई के आसपास के जलाशय ओवरफ्लो होने लगे हैं। कुर्ला से होकर गुजरने वाले मीठी नदी के आसपास का हाल देखिए। मीठी नदी का पानी सड़कों तक पहुंच गया है। कुछ जगहों पर तो अभी से ही लोग घुटनों पर पानी के बीच से गुजरकर कहीं आ जा पा रहे हैं। मुंबई में करीब करीब हर बारिश में मीठी नदी के आसपास के इलाके के लोगों को इसी तरह की मुसीबत झेलनी पड़ती है और इस बार मानसून की शुरुआत के साथ लोगों पर संकट शुरू हो गया है। मीठी नदी के ये जो है नाला, इस नाले की वजह से दर साल पानी भर जाता है। साफ सफाई होती है, अभी की कॉरपोरेटर इतनी अच्छी कॉरपोरेट है, हर किसी भी कारण में वो रोड पे उतरते हैं, साथ में ही रहते हैं, उसके बावजूद किसी कारण सर यहाँ पे पानी तुरंत भर जाता है। आज सुबह भी 2 घंटा बारिश गिरा, उसमें भी पानी भर गया, नुकसान होता है रोज कि बार बार बारिश में पानी भरता है। वो तो अभी उनके हाथ में तो आई नहीं, उनका काम है वो बीएमसी के कर्मचारी को लगा के अपना साफ सफाई करवा लेते हैं। और मेरे हिसाब से साल भर में 10 बार ये नाला साफ हुआ, लेकिन फिर भी पानी भर है। शुक्रवार देर रात से ही मानसून ने मुंबई में लोगों पर सितम ढाना शुरू कर दिया है। जिस तरह से जून के महीने में मुंबई में बारिश नए रिकॉर्ड बना रही है, उससे साफ है कि आने वाले 2 दिन मुंबई के लोगों पर भारी पड़ सकते हैं। मुस्तफा शेख के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज।